हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिप्टो पीयूष ऑनलाइन पर। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बिटकॉइन से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। आप मेरे इस सिमेट अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करके लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिटकॉइन और कुछ ऑल्ट्स कॉइन की एनालिसिस कि उनका प्राइस हाई जाएगा या लो, और कुछ हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अपडेट भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है, हम देख सकते हैं यहाँ पर यूके रेमिटेंस सर्विस ट्रांसफ़र गो एड्स क्रिप्टो ट्रेडिंग इन वर्ल्ड फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांसफ़र गो है उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है उसको इन्वॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड फर्स्ट रेमिटेंस ऑपरेटर टू ऑफर क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के लिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज उसे ऑलरेडी ऐड कर रही हैं। आप रीड कर सकते हैं ट्रांसफ़र गो नाउ लेट्स कस्टमर बाई एंड सेल फाइव मेजर क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन इथेरियम रिपल बिटकॉइन कैश और लाइट कॉइन को उन्होंने ऐड कर लिया है। और दोस्तों, आप यहां पर रीड कर सकते हैं ट्रांसफ़र गो के बारे में। 2012 में फाउंड हुई थी और ट्रांसफ़र गो में करेंटली 600,000 रजिस्टर्ड यूज़र हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो ट्रांसफ़र गो है दोस्तों वो अराउंड 30 बैंक से लिंक्ड है और आप आराम से उसमें इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर रेमिटेंस कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से किसी और कंट्री से आप पैसे निकाल सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों कि इतनी बड़ी कंपनी ऑलरेडी यूज़ कर रही है बिटकॉइन और अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसी को, और उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड आई थी। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द मार्केट, तो काफ़ी डिमांड आई थी उनके कस्टमर्स की कि वो क्रिप्टो करेंसीज़ को ऐड करें, जिसकी वजह से उन्होंने ऐड किया है। तो धीरे धीरे पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का प्राइस हाई जाना चाहिए। दूसरी अपडेट भी देख लेते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि जो ETF की न्यूज़ आ रही थी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ऑलरेडी वो चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई हैं जो एक्सचेंज कमीशन, आप रीड कर सकते हैं पोस्टपोन्ड वन प्रपोजल, तो उन्होंने ऑलरेडी पोस्टपोन्ड कर दिया है ये आने वाले कुछ मंथ्स के लिए। मॉर्गन क्रीक कैपिटल मैनेजमेंट है, वो अभी बोल रहे हैं कि बिटकॉइन इस ईयर $25,000 तक जा सकता है। ओहानियन जो को फाउंडर हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट के, उन्होंने भी बोला है कि बिटकॉइन $20,000 तक जा सकता है इस ईयर के एंड, और इथेरियम समवेयर अराउंड $1,500 तक जा सकता है। राइट दोस्तों, तो काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, बट देखते हैं इसी ईयर के एंड में क्या होता है। मुझे भी लग रहा है थोड़ा बुलिश, और $20,000 to $25,000 बिटकॉइन जा सकता है December 2018 में। तो अब हम बिटकॉइन और सम ऑल्ट्स कॉइन की एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ गया हूँ। सबसे पहले हम बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर डेली का चार्ट है। अगर हम यहाँ देखें, आप MACD को देख लीजिए सबसे पहले, MACD जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद से ब्लू लाइन ऊपर है, तो अभी भी प्राइस हाई जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। बिटकॉइन थोड़ा सा डाउन आया था, आप यहाँ देख सकते हैं जो बिटकॉइन डाउन आया था, समवेयर अराउंड 8,000 के आसपास आया था जो डाउन आ गया था दोस्तों, उसके बाद से फिर से अब जा रहा है अराउंड $8,100 के आसपास अभी चल रहा है, $8,180। तो बिटकॉइन जैसा कि लग रहा है कि अभी अब जाना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दे दी थी जब $8,500 पे था कि बिटकॉइन डाउन हो सकता है $8,000 तक। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, तो इसीलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन का, वो $8,500 के आसपास है। तो $8,500 का रेजिस्टेंस लेवल अगर बिटकॉइन क्रॉस करता है दोस्तों, तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ पर $8,900 के आसपास है। अगर $8,900 के रेजिस्टेंस लेवल को बिटकॉइन क्रॉस करता है, तो पूरी उम्मीद है कि $10,000 तक जा सकता है। बट $10,000 जाने से पहले एक और रेजिस्टेंस लेवल है जो कि समवेयर अराउंड $9,300 के आसपास है दोस्तों, तो उसको भी बिटकॉइन को क्रॉस करना होगा। आप देख सकते हैं $9,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है,
उसके बाद मुझे उम्मीद है कि $10,000 जा सकता है। बट जो 8900 और $9,300 का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्मॉल है, तो मुझे उम्मीद है कि $10,000 बिटकॉइन जा सकता है दोस्तों। और जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था अराउंड 7700-7800 के आसपास दोस्तों, बिटकॉइन ऑलरेडी उसे क्रॉस कर चुका है। तो अब $7700 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एटलीस्ट $7700 से डाउन बिटकॉइन ना जाए, बट स्टिल प्लीज़ सोच समझ कर ट्रेडिंग करें ऑल्ट्स कॉइन या और भी कॉइन्स में, बिकॉज़ जब बिटकॉइन अगर तेज़ी से अप जाएगा तो ऑल्ट्स कॉइन कुछ और डाउन आ सकते हैं। और इस ईयर के एंड में जैसे कि बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट भी बोल रहे हैं और भी लोग बोल रहे हैं कि माइट बी $20,000 to $25,000 तक जा सकता है, तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जा सकता है। तो मैं ट्रॉन के चार्ट पर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं ट्रॉन का ये डेली चार्ट है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ट्रॉन के बारे में, बिकॉज़ अगर हम 38 जुलाई की बात करें तो 30 जुलाई के आसपास उनका वर्चुअल मशीन का मेन नेट भी लॉन्च होने वाला है, तो माइट बी प्राइस स्पाइक हो सकता है। फिलहाल अराउंड 445 सतोशी के आसपास चल रहा है। और अगर आप मैकडी आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो ऑलरेडी काफ़ी देखें तो साइडवेज चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो सकता है। और अगर हम देखें तो ट्रॉन का प्राइस हाई जा सकता है, बिकॉज़ आप देखेंगे पिछले 5-6 दिनों से अराउंड साइडवेज ही चल रहा है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, तो मुझे उम्मीद है कि शायद अप जा सकता है। और अगर यहाँ सपोर्ट लेवल देखें अराउंड 406 सतोशी के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, और यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्रॉन कॉइन अप ही जाए। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल समवेयर अराउंड 460 सतोशी के आसपास है, और उसके बाद 510 सतोशी के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर ट्रॉन कॉइन अप जाता है और काफ़ी अच्छी मूवमेंट होती है, तो एटलीस्ट 550 सतोशी के आसपास जा सकता है। तो जो लोग भी इस प्राइस पे अगर परचेज़ करते हैं ट्रॉन को अराउंड 400 या 450 सतोशी के आसपास, वो 550 सतोशी पे शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं। बट ट्रॉन काफ़ी अच्छा कॉइन है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, बिकॉज़ काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। और आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि टोरेंट को उन्होंने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है, तो आने वाले टाइम में काफ़ी यूज़र्स होने वाले हैं ट्रॉन के, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्रॉन आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकता है। मैं इथेरियम के चार्ट पे आ गया हूँ, इथेरियम का भी प्राइस हम देख लेते हैं। अगर इथेरियम में आप देखेंगे मैकडी अगेन साइडवेज चल रही है, बट यहाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद क्रॉसओवर हो और प्राइस अप जाए, बिकॉज बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी अप जा रहा है, जिसकी वजह से ऑल्ट्स कॉइन का प्राइस डाउन आ गया है। बट अगर हम देखेंगे यहाँ काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है अराउंड $438 पे, और इससे डाउन जाने की उम्मीद थोड़ी कम है। और यहाँ रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो $515 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है। $500 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको इथेरियम क्रॉस कर देता है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगेन अप जा सकता है और एक बार फिर हम रैली देख सकते हैं इथेरियम की। और अगर वो क्रॉस नहीं कर पाता दोस्तों तो समवेयर अराउंड $400 के आसपास जा सकता है। तो इथेरियम मैं अभी भी कहूँगा काफ़ी अच्छा प्राइस है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज़ जैसा कि ऑलरेडी मैंने दिखाया बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना है या और भी लोग बोल रहे हैं कि इस ईयर एंड में शायद $1500 के आसपास जा सकता है, बट स्टिल $1000 के आसपास इथेरियम जा सकता है, तो आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा जिससे उन सभी लोगों की हेल्प हो पाए जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं। और अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस या किसी भी टूल के बारे में पूछ रहे हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करें जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग चाहते हैं, जिससे कि मैं एनालिसिस की भी वीडियोस लाऊं और आप सभी लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।